गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आज का टॉपिक के बारे में बताया कि अर्बन इनोवेशंस, पहले तो मैं कमिश्नर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बरसात के दिनों में हमारा काम डबल हो जाता है। खाली एमसीजी का नहीं, मैं कहूँगा हमारा तो चार गुना हो जाता है। ट्रैफिक को कंट्रोल करना गुड़गांव में इट्स अ चैलेंज। हमारे पास जितनी ट्रैफिक में स्ट्रेंथ है, शायद छोटे ज़िले में टोटल स्ट्रेंथ उतनी है। मेरे पास 1100 मुलाजम है और आप मानेंगे किसी ज़िले में सिर्फ 700 मुलाजम पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप सोच सकते हैं कि ट्रैफिक की प्रायोरिटी कितनी है गुड़गांव में। और अर्बन इनोवेशंस के बारे में बात की जा रही है, स्मार्ट सिटी बनाने के बारे में बात की जा रही है, तो बहुत सारे स्टेप्स पहले भी लिए जा रहे हैं। मैं ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहूँगा कि अर्बन इनोवेशन आप कितनी भी करें, लेकिन उसमें एक प्रायोरिटी ज़रूर रहनी चाहिए ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को लेकर। अगर वो हो भी जाएं तो हाउ टू सेव देम। अगर हम गुड़गांव का फिगर भी देखें अगर, तो लगभग 600 से ज़्यादा एक्सीडेंट अब तक गुड़गांव में हो चुके हैं और 260 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है सिर्फ गुड़गांव में। हालांकि पिछले साल से 10% कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। और जो डेथ हो रही है वो कौन लोग हैं, 60-70% टू व्हीलर्स पेडेस्ट्रियंस। तो इस चीज़ को मेरा लिंक करने का यहाँ मतलब इतना ही था कि हम जो भी डेवलपमेंट करें, इनोवेशंस करें, हम इन दो कैटेगरी का ध्यान जरूर रखें जो हम जनरली नहीं करते हैं। हम हाईवेज बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बीच में ग्रिल लगा रहे हैं, दिस ऑल थिंग्स आर फॉर फोर व्हीलर्स। पेडेस्ट्रियंस को क्रॉसिंग के लिए, टू व्हीलर्स को क्रॉसिंग के लिए कि वो सेफ क्रॉस कर पाए, देर इज़ नथिंग। हालांकि हम ग्रिल और लगा देते हैं कि यहाँ से कोई कूद ना पाए, पर्पज़ अलग है कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन वो जाएगा कहाँ से, 1 किलोमीटर तो कोई चल के जाने वाला है नहीं। और रूल्स तोड़ने का थोड़ा यहाँ ज़्यादा एंजॉय करते हैं लोग कि रूल्स तोड़ के निकल जाओ, तो हमें उनको फैसिलिटेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस मिलकर एक IIT ने ऐप बनाई है जिसपे सभी काम कर रहे हैं। जितने मेन हॉस्पिटल्स हैं, ट्रोमा सेंटर्स हैं, उनका सारा डाटा उसमें फीड किया जा रहा है। और उसमें अगर स्पॉट पे कोई एक्सीडेंट होता है यदि, तो वो बोलने लायक है तो बता सकता है कहाँ शुरू, तो दैट ऐप विल टेल कि नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है और कहाँ ले जाना, उसको ऑटोमेटिक मैसेज भी वहाँ पहुँच जाएगा ताकि वो वहाँ तुरंत पहुँच जाए और जो मेडिकल केयर है उसको तुरंत मिल जाए, जिससे कि जो कैजुअल्टी है वो कम से कम हो पाए। लेकिन फिर भी वहाँ एक इशू आएगा कि हम ले गए या कोई पब्लिक का मैन ले गया या सरकारी एम्बुलेंस आई वो लेके गई, अगर ये नहीं पता चल रहा है वो कौन है, कहाँ का है, तो हु विल पे हिज चार्जेस। आज ये बात पहले भी एक प्लेटफॉर्म पे कहीं उठी, जस्ट फॉर इन्फो आई एम टेलिंग यू कि इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनोवेशन की है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। वो एक पायलट प्रोजेक्ट किसी एक सिटी में स्टार्ट किया है कि ऐसा कुछ होता है तो कितना परसेंट गवर्नमेंट देगी और कितना परसेंट वो हॉस्पिटल CSR से देगा और कितने घंटे के बाद फिर उसको खुद पे करना है। अभी पायलट प्रोजेक्ट ही स्टार्ट हुआ है उसमें, तो उसमें भी काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, आप इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन में इनोवेशंस की जा रही हैं, हर जगह हो रही हैं। गुरुग्राम में माने तो हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक चलानिंग के लिए। हमने पीछे चलाया कि एम्बुलेंस के अंदर बैठकर देखा जाए कि एम्बुलेंस को रास्ता कौन कौन देता है, कौन कौन नहीं देता। 10,000 रुपये का चलान है उसका, तो हमने मेघल एक हफ्ता लगातार चलाया, हमने 250 चलान किए उसमें लोगों के, और काफ़ी पब्लिसाइज भी किया कि एम्बुलेंस को रास्ता प्रायोरिटी पर दें ताकि जो जान है वो बचाई जा सके। ड्रंक एंड ड्राइव का आप कहें, आई थिंक सारे हरियाणा में उतने चलान होते हैं जितने गुड़गांव में होते हैं। इस महीने, इस 7 महीने में लगभग गुड़गांव में
14,000 चलान ड्रंक एंड ड्राइव के हो चुके हैं एंड 5% ऑफ देम आर लेडीज आल्सो. ये नहीं है कि सिर्फ जेंट्स ही चला रहे हैं. तो हमने कई बार पूछताछ करने की कोशिश भी की तो लेडीज टेक इनिशिएटिव, अरे तुम्हें तो पकड़ लेंगे, मुझे चलाने दो, मुझे कोई नहीं रोकेगा. तो इस वजह से हमें ट्रैफिक लेडी पुलिस भी हर नाके पे रात को लगानी पड़ी. दो लेडी पुलिस हर जगह नाके पे हैं. GMDA हैं हमारे, हर जगह पे कैमरा चल रहे हैं. अब स्मार्ट सिटी की बात चल, स्मार्ट लाइट्स की बात चल रही है और लग रही हैं कि ट्रैफिक के स्ट्रेंथ को देख के रेड लाइट ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी और वो प्रोग्रेस में है. 70% लगभग काम हो भी चुका है और कैमराज हैं जो ऑनलाइन चलान भी कर रहे हैं, कई तरह के चलान हैं. लेकिन एक बड़ी सरप्राइज सी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन चलानिंग पे हम जा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें चलान भुगतने की परसेंटेज इज वेरी लो, जस्ट 9%. और अदरवाइज जो हमारे ट्रैफिक से चलान कर रहे हैं, मशीन लेके कर रहे हैं, दैट इज ऑलमोस्ट 90% जो लोग चलान भुगत रहे हैं. कारण ई चलान है, उसके घर पे चला गया. अब पता नहीं वाहन और NIC से हम अटैच है कि वो उसने गाड़ी बेच दी नहीं बेच दी, तो अगले के पास गया कि नहीं गया. उसने मोबाइल नंबर बदल लिया तो शायद उसको मिल ही नहीं रहा SMS, और मिल भी रहा है तो वो भुगत नहीं रहा क्योंकि उस पर कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है. सिर्फ दो रेगुलेशंस हैं कि जो वो गाड़ी बेचेगा तो बेच नहीं सकता, उसको पहले अपने चलान क्लियर करने हैं. लाइसेंस रिन्यू करवाना है तब उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि चलान वो अपने पे करेगा, तभी उसका लाइसेंस रिन्यू होगा. और RC बनने के बाद तो दोबारा ज़रूरत नहीं है उसको कुछ बेचे ना बेचे, 10 साल चला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. इसमें भी कोई ना कोई, मैं चाहूँगा कि अगर आपके कोई विचार हो कि इसको कैसे लागू किया जा सकता है, कि थोड़ा वो बाउंड डाउन हो, तो मैं चाहूँगा कि वो आप सजेशन ज़रूर दें. हालांकि हमने 2 सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांगे थे, हमने भेजे हैं कि उसका इंश्योरेंस भी रिन्यू होना चाहिए, उसका पोल्यूशन भी रिन्यू होना चाहिए, और प्लस अगर वो टोल टैक्स से ई वैलेट में उसके पैसे हैं तो जिस टोल टैक्स से निकले चलान के पैसे उसमें से कट जाने चाहिए. लेकिन वो फिर इशू रहेगा कि हर बार काट लेंगे तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट क्या सोचती है मैं बता नहीं सकता. लेकिन समथिंग हैज़ टू बी डन. अगर हम स्मार्ट करते जा रहे हैं हर चीज़ को तो उसको बाउंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूरत है. अगर वो चलान नहीं भुगत रहा और अपने चलाया जा रहा है, गुड़गांव में मैं आपको बताऊं तो लगभग 100 से ऊपर चलान वाले, 150 गाड़ी घूम रही हैं जिनके 100 से ऊपर चलान हुए हैं. लगभग 35 तो हमने अपने ICCC की मदद से पकड़ के इम्पाउंड कर दी हैं, मोस्टली आज ऑटोस एंड मोटरसाइकिल्स, जिनके 100 से ऊपर चलान हुए हैं. लेकिन कितना इस पे काम कर सकते हैं, ना कोर्ट्स के पास इतना टाइम है कि उनको सम्मन करें, पुलिस के पास इतना टाइम है ना कि सबको सम्मन करके बुलाए. तो बहुत सारे मिलकर काम करने की आवश्यकता है स्मार्ट बनाने के लिए. खाली कैमरा लगा के ऑनलाइन करने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो वो पे करने के लिए बाध्य ही नहीं है. सिस्टम को इम्प्रूव करके कोई ना कोई उस पर बाउंडेशन होनी चाहिए कि वो इस पर बाउंड हो पैसे देने के लिए. फाइनेंशियल चोट लगती है तो उसको थोड़ी समझ आती है. अगर उसको कोई फाइनेंशियल चोट नहीं है, फिजिकल कोई रोग नहीं रहा है, तो उसको चलान भरे ना भरे कोई फर्क नहीं है. ऐसे ही एक नया, अभी थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि जब भी कोई बाइक खरीदेगा तो उसको उसी के साथ उसी कंपनी का हेलमेट लेना पड़ेगा. मतलब वो स्टेज आ गई है कि धक्के से हेलमेट डलवाना पड़ना है. लोग पता है, ये नहीं कि पता नहीं है कि डालना है, उसमें ये सिस्टम आ रहा है जो इनोवेशंस नहीं आ रही है कि जब तक आप हेलमेट नहीं डालेंगे आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी और आपको उस कंपनी का ये हेलमेट खरीदना ज़रूरी है, नहीं तो आप बाइक नहीं खरीद पाओगे. वो हेलमेट डालेगा, कनेक्ट करेगा तो उससे कुछ स्टार्ट होगा, तभी की लग के मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी. अगर वो हेलमेट उतार देगा तो मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी. ये बहुत ही एक अच्छी इनोवेशंस है जो मैं कहूँगा कहीं के लिए भी, स्मार्ट सिटी के लिए कह लें, स्मार्ट इंडिया के लिए कह लें, ट्रैफिक रेगुलेशंस को रेगुलेट करने के लिए कह लें. इस तरह के इनिशिएटिव्स और लिए जाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप ये नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है, पता है कि ये रूल है,
मुझे ये करना है, लेकिन फिर भी नहीं करते लोग। अवेयरनेस की बात है, बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, हम भी बहुत करते हैं, और हम ज़्यादा जोर स्कूलों में ही दे रहे हैं कि शुरू से ही बच्चों को पता चल जाए, यहीं से रूल्स फॉलो करने की उनको आदत पड़नी चाहिए। लेकिन अगर स्कूलों में नहीं पता चला और बच्चा बड़ा हो गया और लाइसेंस बना लिया, तो जो उसने 20 साल में सीख लिया है उसको बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि स्कूल कॉलेजेस में ही उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और उससे पहले मैं कहूँगा घर से, माँ बाप जब बच्चे को घर से ले कर निकल रहे हैं, जो देखेगा कि उसके फादर कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं, वो समझता है कि यही सब ठीक है। अगर वो रूल तोड़ रहे हैं तो उसको भी कोई इशू नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि घर से शुरू करके जब तक कि वो इस लायक हो कि लाइसेंस मिले उसको, तब तक वो ट्रेंड हो जाना चाहिए उस चीज़ के लिए। और उसमें कोई खाली हम या पेरेंट्स या टीचर्स, सबको मिलके काम करना है उसमें। जब तक मिलके काम नहीं कर पाएंगे उसके दिमाग में, एक मैं एक यूएन मिशन में बाहर रह के आया था एक साल के लिए, तो वहाँ और यहाँ में मुझे क्या फ़र्क बेसिक नज़र आया, वहाँ पेडेस्ट्रियंस क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी वाले गाड़ी रोक लेते हैं कि आप क्रॉस कर लीजिए, पहले आप वाली पॉलिसी है। हमारे यहाँ आया पहले मैं, भाई तू रुका रहा है मैं जाऊँगा पहले। तो पहले आप और पहले मैं में ही एक्सीडेंट का, मैं कहता हूँ 50% फ़र्क पड़ सकता है। आप गाड़ी रोक के अगर किसी को चार लोगों को पहले जाने दो, कई देर से खड़े हैं, वैसे तो हमारी पॉपुलेशन नहीं देगा, हम रुक गए तो हमको जाने भी नहीं देंगे वो। तो कुछ ना कुछ सिस्टमेटिक बनाने की ज़रूरत है, पब्लिक की क्रॉसिंग्स के लिए सेफ पैसेज बनाने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए हमेशा से, तभी जो ये डेथ्स हो रही हैं, कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, उन सब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ पाएगा। और मैं चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस से कोई ना कोई ऐसे सुझाव ज़रूर आए जिससे हम इस ओर ध्यान दे पाएँ, इसको और अच्छा कर पाएँ। थैंक यू।